हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पैशन ऑन माय प्लेट। आज हम बनाएंगे ये टेम्पटिंग प्रॉन बिरयानी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स आल्सो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉन मैरिनेट करेंगे। मैंने यहाँ पे 300 ग्राम प्रॉन्स को अच्छे से क्लीन करके ले लिया है। मैं 1 टीस्पून नमक, आधा टेबलस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। इसमें 1 टेबलस्पून सरसों का तेल और 1 टीस्पून लेमन जूस ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एटलीस्ट आधे घंटे तक मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। अभी बिरयानी के लिए राइस प्रिपेयर करेंगे। मैंने यहाँ पे इस वाले ग्लास में 2 ग्लास चावल ले लिया है। इसको 2-3 बार पानी से साफ करके रख लेंगे और राइस को कुक करने के लिए कंटेनर में पानी लेंगे। उसमें 7 से 8 लौंग, 2 इंच की दालचीनी तोड़ के, 2 हरी इलायची, 7 से 8 साबुत काली मिर्च, 1 तेजपत्ता तोड़ के डालेंगे। इसमें 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और बिल्कुल थोड़ा सा 1/2 टीस्पून के बराबर जीरा ऐड करेंगे। अब इसको कवर करके पानी अच्छे से बॉईल होने तक वेट करेंगे। देखिए, पानी अच्छे से बॉईल हो गया है और खड़े मसालों ने अपना फ्लेवर पानी में छोड़ दिया है। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे, इससे चावल एक दूसरे में चिपकेगा नहीं। अभी इसमें चावल ऐड करेंगे। इसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कवर करके राइस को 70% कुक होने तक छोड़ देंगे। 70% कुक होने के बाद मैंने राइस को निकाल लिया है। अभी मसाला प्रिपेयर कर लेंगे। ग्राइंडर जार में टमाटर को 4 हिस्सों में काट के ले लेंगे। मैंने यहाँ पे 2 छोटे साइज के टमाटर यूज किया है, आप 1 मीडियम साइज का टमाटर भी डाल सकते हैं। इसमें 20 लहसुन, 2 इंच का अदरक काट के ले लिया है, 1 इंच की दालचीनी और 1 सूखी लाल मिर्च डाल के अच्छे से एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। अभी एक कढ़ाई गरम करेंगे, उसमें 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गरम होने के बाद इसमें 1 टीस्पून चीनी, 1 तेजपत्ता, 1 इंच की दालचीनी तोड़ के, 1 ग्रीन इलायची, 2 से 3 लौंग और 4 से 5 साबुत काली मिर्च डाल के इसको अच्छे से क्रैकल होने देंगे। फ्लेम को हाई में रखेंगे और हमने जो शुगर ऐड किया है उसको अच्छे से कैरेमल होने देंगे। इसमें 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। अब इसमें 1/2 कप बारीक कटे हुए प्याज ऐड करेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए, प्याज में कितना सुंदर इंस्टेंट कैरेमल कलर आ गया है। ये हमने जो शुगर को कैरेमल किया था उसके वजह से आया है। इससे ग्रेवी में भी थोड़ा कैरेमल कलर आ जाएगा। अब इसमें प्रिपेयर किया हुआ टमाटो पेस्ट ऐड करेंगे। उसी जार में मैंने 1/4 कप पानी डाल के उस पानी को ऐड कर लिया है। अब इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। अब इसमें 1/2 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करके हाई फ्लेम में एक बॉयल आने तक छोड़ देंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून बिरयानी मसाला ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। इसको कवर करके लो फ्लेम में कुक होने के लिए छोड़ देंगे। बीच बीच में देखते रहिए, अगर ये मसाला थोड़ा ड्राई हो जाए तो 1 से 2 चम्मच पानी ऐड करके ऑयल सेपरेट होने तक कुक कर लीजिए। देखिए, अब ये मसाले से ऑयल अच्छे से सेपरेट हो गया है। अब इसमें मैरिनेट किए हुए प्रॉन्स को ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्रॉन्स को कुक होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए हम इसको हाई फ्लेम में ही कुक करेंगे। देखिए, प्रॉन्स अच्छे से राउंड शेप में आने शुरू हो गए हैं। इसको इससे ज़्यादा कुक नहीं करना है। अब गैस के फ्लेम को लो कर लेंगे और 1/4 कप पुदीने के पत्ते और 2 टेबलस्पून के बराबर कोरिएंडर लीव्स ऐड करेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी बिरयानी लेयर्स बनाने के लिए कढ़ाई में से 1/2 प्रॉन निकाल लेंगे। बाकी बचे हुए प्रॉन्स को कढ़ाई में अच्छे से इवनली स्प्रेड कर लेंगे। अभी प्रिपेयर्ड राइस में से 1/2 राइस हम फर्स्ट लेयर के लिए डालेंगे। राइस अच्छे से स्प्रेड करने के बाद इसमें फ्राइड अनियंस ऐड करेंगे और फ्रेश मिंट लीव्स ऐड करेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून के बराबर बिरयानी मसाला स्प्रिंकल करेंगे और 1 टीस्पून बटर ऐड करेंगे।
इसी तरह से सेकेंड लेयर लगाएंगे। बचे हुए प्रॉन्स को डाल के अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। बचे हुए राइस डाल के इवनली स्प्रेड कर लेंगे। फ्राइड अनियंस ऐड करेंगे, एक टीस्पून बिरयानी मसाला स्प्रिंकल करेंगे, फ्रेश मिंट लीव्स ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे रेड फूड कलर यूज़ किया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो केसर का पानी भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक टेबलस्पून केवड़ा जल ऐड किया है, अगर आपके पास एडिबल रोज़ वाटर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इससे बिरयानी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बिरयानी को अच्छे से दम देने के लिए मैंने कढ़ाई के कॉर्नर में आटे का डो लगा लिया है। इसमें 2 टीस्पून के बराबर बटर ऐड किया है। ऐसे लिड को उसमें प्रेस कर देना है। लिड में जो गैप है मैंने उसको भी आटे के डो से कवर कर लिया है। हमेशा बिरयानी बनाने के लिए एक हेवी बॉटम कंटेनर यूज़ कीजिए। अगर कंटेनर पतला रहेगा तो बिरयानी जलने का चांस रहेगा। अभी इसको एटलीस्ट 20 मिनट्स के लिए बिल्कुल लो फ्लेम में हम कुक करेंगे। 20 मिनट्स के बाद मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और अब देखिए ये बिरयानी कितना सुंदर लग रहा है और खाने में भी इसका टेस्ट लाजवाब था। इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए रायते के साथ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आया तो लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।